भारतीय राजनीति में कट्टर ईमानदार के नित नए किरदार एक के बाद एक उभर कर सामने आते जा रहे हैं। आपने देखा कि पहले शराब के कारोबार में उनका किरदार दिखा, फिर बिजली के व्यापार में उनका किरदार दिखा, फिर अदालत के अंदर, और फिर भ्रष्टाचारियों के साथ सरोकार में भी दिखा। अब एक नए प्रकार का किरदार उनका दिख रहा है, जिसमें अपने सिपह सलारों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी तनख्वाह पर नियुक्त करना और उनसे सरकारी पद पर रहते हुए पार्टी का काम करवाना। देखिए, दोनों में अंतर है। कोई व्यक्ति यदि कभी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो वो अलग विषय है, परंतु पद पर रहते हुए वो विधिवत काम करे पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तिगत राजनैतिक कार्य का, कई जगहों पे उनके व्यक्तिगत निजी स्टाफ का, ये एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। आप सबने वो कहावत सुनी होगी कि आप बांटे रेवड़ी और मुड़मुड़ अपने को दे, पर यहां तो जनता को तो ये कहा कि चंद सौ रुपए की कुछ सहूलियत देंगे, एक आध हजार की सहूलियत देंगे, बदले में अपने लिए करोड़ों का शीश महल भी बनवाएंगे और सिपह सलारों को लाखों रुपए भी दिलवाएंगे। यानी बात तो करेंगे अपनों को रेवड़ी नहीं, अपनों को तो रबड़ी खिलवाएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। पर ये सरकार की आय को जिस रूप में प्रयोग करते हैं उन पर यह कहावत एकदम चरितार्थ होती है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। और आगे एक पंक्ति मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूं, जो आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल जी के इस नए किरदार पे एकदम उपयुक्त लगती है, माले मुफ्त दिले बेरहम और अपनों पे करम। भारतीय राजनीति में कट्टर ईमानदार के नित नए किरदार एक के बाद एक उभर कर सामने आते जा रहे हैं। आपने देखा कि पहले शराब के कारोबार में उनका किरदार दिखा, फिर बिजली के व्यापार में उनका किरदार दिखा, फिर अदालत के अंदर, और फिर भ्रष्टाचारियों के साथ सरोकार में भी दिखा। अब एक नए प्रकार का किरदार उनका दिख रहा है, जिसमें अपने सिपह सलारों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी तनख्वाह पर नियुक्त करना और उनसे सरकारी पद पर रहते हुए पार्टी का काम करवाना। देखिए, दोनों में अंतर है। कोई व्यक्ति यदि कभी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो वो अलग विषय है, परंतु पद पर रहते हुए वो विधिवत काम करे पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तिगत राजनैतिक कार्य का, कई जगहों पे उनके व्यक्तिगत निजी स्टाफ का, ये एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। आप सबने वो कहावत सुनी होगी कि आप बांटे रेवड़ी और मुड़मुड़ अपने को दे, पर यहां तो जनता को तो ये कहा कि चंद सौ रुपए की कुछ सहूलियत देंगे, एक आध हजार की सहूलियत देंगे, बदले में अपने लिए करोड़ों का शीश महल भी बनवाएंगे और सिपह सलारों को लाखों रुपए भी दिलवाएंगे। यानी बात तो करेंगे अपनों को रेवड़ी नहीं, अपनों को तो रबड़ी खिलवाएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। पर ये सरकार की आय को जिस रूप में प्रयोग करते हैं उन पर ये कहावत एकदम चरितार्थ होती है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। और आगे एक पंक्ति मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूं, जो आम आदमी पार्टी के
और केजरीवाल जी के इस नए किरदार पे एकदम उपयुक्त लगती है, माले मुफ्त दिले बेरहम और अपनों पे करम।